हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन सर हियर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम भारद्वाज कैंपस। हम लोग बातें कर रहे थे सॉल्यूशन की, और आज एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं सर और समझते हैं क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चा लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा दो टॉपिक थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को। जैसे कि हम लोग इस बात को अच्छे से समझते भी हैं कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट जो हमारे पास में होता है और हमारे पास सॉल्यूशन है, तो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या होती है सर, ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो जब कोई प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना। इस टॉपिक में हमें क्या डिस्कशन करना है, तो हम लोग इस बात को समझते हैं अच्छे ढंग से कि जब कभी भी किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्यों इंक्रीज हो जाती है, उसका हम लोग डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिकल कैसे करें हम लोग, तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले एक छोटा सा चीज हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। हमारे पास क्या है सर, कोई प्योर सॉल्वेंट है, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया सर, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। जैसे ही आप इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। हमारे पास बंद हो जाएगा सॉल्यूशन। हमने इसे माना ए, इसे हमने क्या माना, बी। तो हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है वो हमारा क्या बनेगा सर, ए प्लस बी होगा ना। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। इसका हमने वेपर प्रेशर क्या माना सर, पी नॉट ए, और सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती उसे हमने क्या माना सर, पी टोटल। तो इस बात को हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं क्या सर, वी नो दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होती है किससे सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से यहां पर प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या है सर, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मेरा क्या है सर, पी टोटल। तो हम लोग ये बात तो पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में सर। तो इसी पे बेस्ड ऑन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी को रिलेट करते हुए बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हुए सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग आ जाएंगे। ठीक है सर, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिलहाल आप लोग। तो बच्चे लोग, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, अब तो हमें यह समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं बताइए हमें, कोई जिसमें कोई बॉयल करने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है, तो लिक्विड के लिए। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं सर, तो हमने जो पहले लाइन आपको बोला कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। अब सॉल्वेंट प्योर नहीं रहा, वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज कर जाना किसका सर, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम थी कब, जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड नहीं किए हुए थे। जैसे ही उस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, एक ग्लास पानी लेते हैं सर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है प्योर, आप अगर पानी लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप उसमें कोई शुगर मिला दीजिए, छोटा सा थोड़ा सा 2 चम्मच, आप 1 चम्मच शुगर मिला दीजिए, अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी किसकी सर, पानी की। क्यों, क्योंकि पानी में चीनी मिल गया है। तो जैसे ही आपने चीनी मतलब क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया किसी प्योर सॉल्वेंट में तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केस में पढ़ते हैं हम लोग सर, चलिए इस सीरीज करते हैं सर हम लोग।
हम लोग को समझना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहेंगे जिस टेम्परेचर पे उस पार्टिकुलर लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? एक टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड की वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड की हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालनी है, उसी लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस लिक्विड की मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालनी है, तो जिस टेम्परेचर पर, जैसे जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को उस पार्टिकुलर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं सर? तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहलाएगा सर? कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। Given solution. अब एग्जाम्पल के लिए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ ट्रिक को समझते हैं। अच्छा, इस बात को तो हम लोग अच्छे ढंग समझते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। और दूसरी वाली बात, हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं क्या? इसके लिए मैं चलेंगे लैब में, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो पहले इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सर, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। और मैंने एक आपको ट्रिक समझाया कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। चलिए, हमने एग्जाम्पल के लिए प्योर वाटर की एग्जाम्पल की मैंने कहा, इन केस ऑफ प्योर वाटर, हमने प्योर वाटर कैसे लिया सर? हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, यहां पे मैंने वाटर भर लिया, यहां पे मैंने क्या भरा है सर? प्योर वाटर। और हमने इसे हीट करना स्टार्ट कर दिया, यहां पे मैंने टेम्परेचर कितना रखा सर? 70 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स आप इसको क्लोज कर दीजिए, सिस्टम को क्लोज कीजिएगा, क्या तब नहीं इक्विलिब्रियम आएगी? तब तो वेपर प्रेशर आएगा। अब ये वापस क्या कर रहा होगा सर? प्रेशराइज कर रहा होगा इसके सरफेस पे। यहां पे क्या आ रहा होगा सर? वेपर प्रेशर। मैंने मान लिया कि यहां पर वेपर प्रेशर जो आया है वो आया है सर 500 mmHg, चलेगा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं सर? धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। यहां तो हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेपर प्रेशर। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे ना, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर भी क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। और यहां पे तो कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होता है, होता है ना सर? अब हमने केस टू क्या लिया? वापस से हमने बीकर रखा, यहां पे हमने प्योर वाटर ही लिया है, क्या हमारे पास यहां पे है सर?
प्योर वाटर है सर, सिस्टम हमारा क्लोज हो चुका है सर, तो यहां पर तो वेपोरेशन फिर से होगी। अब ये वापस आके यहां पे प्रेशर लगा रहा होगा, यहां पर भी तो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाते 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 धीरे धीरे इस टेम्परेचर की वैल्यू रख डाली 100 डिग्री सेल्सियस। तब देखते क्या है कि यहां पर जो मौजूद वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू हो गई 760 mmHg, मतलब कितना सर, 180 m। तो अब इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू 180 m हो चुकी है। ये किसके बराबर हो गया सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम प्रेशर मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई, तो यह टेम्परेचर क्या कहलाएगा सर, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर लिक्विड। किसके लिए सर, ऑफ वाटर। कुछ समझ में आया? तो यहां पर एक नॉर्मली सी बात समझनी है, बॉइलिंग पॉइंट का एक सुंदर सा डिफिनेशन यह होता है सर, जिस लिक्विड की हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालनी हो, जिस लिक्विड की हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालनी होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वाली बात है, जैसे टेम्परेचर देंगे तो वहां पर भेड़ से प्रेशर भी आएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। तो जिस टेम्परेचर पर किसी पार्टिकुलर लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ रहे हमारी बात को सर? तो यहां पर मैंने डिफरेंशियल लिख दिया सर, दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन, या फिर गिवन सॉल्यूशन से अच्छा हो गया आप यहां पर लिख दीजिए लिक्विड, ज्यादा अच्छा चीज है सर। चलेगा, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इरेज कर दो मैं। अब मैं थोड़ी सी ग्राफिकल तरीके से समझाना चाहता हूं, ठीक है, ग्राफ से हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग सर आगे हेडिंग मारते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना सर वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में हम लोग करना एक मिनट। हमने यहां पे क्या किया सर, इधर हमने लिया वेपर प्रेशर और इधर हमने क्या लिया सर, टेम्परेचर। चले सर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं सॉल्वेंट के लिए, यह बात तो जाहिर सी है कि प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होती है वह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होती है सर, ज्यादा होती है। तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या होगी सर, सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वह टेम्परेचर साथ में क्या होगी सर, कम बढ़ेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जो यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया प्योर सॉल्वेंट का, ग्राफ इस तरीके से आया। ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया वो किसके लिए है सर, प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और हमने फिर क्या किया सर, सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज्यादा इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ गया, सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होती है, ग्राफ नीचे गया। चेक कर लेते हैं सर हम लोग किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रख करके। तो हमने यहां पे क्या किया सर, कोई टेम्परेचर मैंने लिया, मानते सर इस टी टेम्परेचर पे, इस टी टेम्परेचर पे मैंने चेक किया तो इस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होगी सर, यहां पे ना सर, यहां पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर मैंने क्या लिया P2, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर होगी सर, यहां पे कट कर रहा है। अब इसी टेम्परेचर पे इसको आगे बढ़ाइए और ये इस कर लीजिए सर
ग्राफ तो ड्रॉ करना जानते होंगे आप। अब ये पॉइंट मुझे किसका प्रेशर दे रहा है सर? प्योर सॉल्वेंट का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा सर? पी नॉट ए। तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं सर, पी नॉट ए की वैल्यू क्या है सर? ज्यादा है पी टोटल से। तो आपको तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि पी नॉट ए की जो वैल्यू है, पी नॉट ए की वैल्यू पी टोटल से क्या आ रही है सर? ज्यादा आ रही है। इसको तो हम लोग सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब आइए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो एक पार्टिकल टेम्परेचर कहीं ना कहीं तो हो जहां पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे होगा सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो प्रेशर के ग्राफ में आ गया ना, यहां पे होगी सर। मान के चलिए कि ये लाइन जो है उसकी वैल्यू कितनी है सर? 180 एटीएम। तो इसको आप आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए सर अच्छे ढंग से, ये ग्राफ ऐसे करके। ये लाइन क्या शो कर रहा है सर? कि यहां पर प्रेशर वेपर प्रेशर वैल्यू कितनी है सर? 180 एटीएम। मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। पॉइंट मुझे मिल रहा है, देखिए तो इस पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर 180 हो चुकी है। तो किस टेम्परेचर पे हुई है सर? मैं थोड़ा ये चेक कर लेता हूं। इसको थोड़ा सा आप लोग नीचे लेके आइए। नीचे लेके आए तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट की वेपर 180 हो चुकी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चुकी है। मतलब क्या? यह टेम्परेचर क्या कहलाएगा सर? इस प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने इसे क्या लिया सर? टी नॉट बी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों कहे सर? इस टेम्परेचर को हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि देखिए सर, इस टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर 180 है। तो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा देर पहले डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहिए तो प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर इसकी वेपर प्रेशर 180 हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी सर, वही तो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी टेम्परेचर पर, समझ गए? चलिए हम लोग सॉल्यूशन के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाया तो देखते हैं क्या है सर, कि यहां पर अब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर 180 हो चुकी है। तो किस टेम्परेचर पे सर? थोड़ा मैं इसको नीचे लेके आऊं। तो इस टेम्परेचर पर मैंने यहां पे क्या लिया सर? टीबी। टीबी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर 180 हो गया है सर। ये टीबी क्या कह रहा है सर? कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहां पर देखिए अच्छे ढंग से, टीबी की वैल्यू ज्यादा है टी नॉट बी से। टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है ना, 5, 10, 15, 20, 50 ऐसे करके। यहाँ पे टी वैल्यू क्या है सर? ज्यादा है टी नॉट बी से। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या देखे हैं सर, टीवी की वैल्यू ज्यादा है टी नॉट बी से। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं सर? बॉइलिंग पॉइंट। टीबी कहने का मतलब क्या? ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन टी नॉट बी। क्या सर? बॉइलिंग प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक बात तो समझ में आ रहा है सर, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होती है। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसे बनता है सर? जब सॉल्वेंट में कोई आप सॉल्यूट मिलाते हैं तब तो कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है। तो इसका मतलब साफ है सर कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कम होगी, सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। इसका मतलब सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? इंक्रीज कर जाती है। कितने से इंक्रीज किया सर? देखिए तो इतने से इतने इंक्रीज किया ना, तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है मैंने यहां पे क्या लिया सर? डेल्टा टीबी। मैंने इसे क्या बोला सर? डेल्टा टीबी। तो
तो हम लोग समझ सकते हैं कि टी नॉट बी में अगर टीबी डेल्टा टीबी को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, टीबी मिल जाएगा। अरे भाई यहां पे डेल्टा टीबी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा सर, बड़का माइनस छोटका, बड़का कौन है सर, टीबी माइनस टी नॉट बी, यही मुझे मिल रहा है सर, यही ना मुझे मिल रहा है। तो यहां पर हियर इसी डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ में आ रही है सर। तो डेल्टा टीबी यहां पे क्या कहलाएगा सर, हियर डेल्टा टीबी क्या आपका है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं लिखूं ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चलेगा। और यहां पर टीबी क्या है सर, टीबी मेरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी मेरा क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, चलेगा। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है सर। चलिए समझेंगे चलेंगे सर, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सर इरेज कर दो मैं इसे, हम लोग अब आगे हेडिंग मारते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चा होता क्या एक्चुअली में है सर, तो जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें सर, किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होती है सर, डिक्रीज कर जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या करती है सर, इंक्रीज कर जाती है। तो इस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर, तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं सर, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन प्योर सॉल्वेंट, क्या होगा बताइए मुझे सर, वेपर प्रेशर क्या कर जाता है सर, डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है सर, इनक्रीजेस, ये मैंने क्या लिखा है सर, इनक्रीजेस, ये मैंने क्या लिखा है सर, डिक्रीजेस, चलेगा सर। तब डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस सर, थोड़ा समझ लेते हैं, डेल्टा टीबी जो था वो क्या था सर, टीबी माइनस टी नॉट बी, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं इसको किसे डिनोट किया था सर, ये भी लिख देता हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, चलेगा। तो बच्चा लो, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं सर,
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये भी तो मैं लिख सकता हूं ना क्या? और यहां पे टी बी क्या है सर? तो यहां पे आप टी बी समझ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी ये मेरा क्या है सर, बोला जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी मेरा क्या है यहां पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब मैं इस चीज को अब इरेज कर दूं, हालांकि इसी चीज से मैंने यहां पे डिफिनेशन लिखा, ठीक है? चलिए अपने नोट से लिख लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mm ऑफ Hg. Consider a common example. We all know that water boils at 100 degrees Celsius. But if we dissolve some sugar in it, the boiling point of the solution increases from 100 degrees Celsius to 102 degrees Celsius. Now let us understand why addition of a non-volatile solute to a pure solvent increases the boiling point of the solution. The addition of a non-volatile solute lowers the vapor pressure of the solvent. The vapor pressure of the solution is always lower than that of the pure solvent, from Rolle's law. Hence, the solution must be heated to a higher temperature to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure. We can conclude that the boiling point of the solution is higher in comparison to that of the pure solvent. Now, let us clearly understand this concept using a graph. Let us plot a graph of vapor pressure versus temperature. If we notice the graph, we can observe that vapor pressure of the solvent is always higher than vapor pressure of the solution at a particular temperature. Thus, the solution boils at a higher temperature than the pure solvent. If T naught B is the boiling point of the solvent and TB is the boiling point of the solution, the difference in boiling points is called the elevation of boiling point. It is represented as delta TB. Thus, TB minus T naught B is equal to delta TB. तो चलो चलिए हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। इसका कहने का मतलब क्या है सर? डेल्टा टीबी और मोलालिटी के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं सर हम लोग। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अब हमें देखना है डेरिवेशन को, आप डेरिवेशन कह लीजिए या फिर आप चाहे तो आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलालिटी। हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है सर? देखिए थोड़ा समझते चलिएगा, ये बात तो क्लियर कट है सर कि डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है। ये क्या था हमारे पास? टी बी माइनस टी नॉट बी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी मेरे पास क्या है सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आपने डेल्टा पी किसको बोला सर? पी नॉट ए माइनस पी टोटल, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात तो सर यहां पे हम लोग समझ सकते हैं, मैं यहां पे कह सकता हूं डेल्टा टीबी जो होगा वो डेल्टा पी क्या होगा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोली कैसे? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों क्या होता है सर? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों में जो चेंजिंग होगा वो भी क्या होगा सर? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तो और यहां पे हम लोग बारीकी से एक बात समझते भी हैं कि
बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए पी नॉट ए ज्यादा है मतलब कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की सर क्या है कम, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की ज्यादा है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है सर कम। चेंजिंग यानी कि डेल्टा पी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में जो चेंजिंग आएगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो डिफरेंस हमारे पास में है। तो यहां से हम लोग यहां पर इस बात को कह के चल सकते हैं, क्या चल सकते हैं सर, कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सर, डेल्टा पी। चलेगा, इसे हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लोग जानते हैं कि डेल्टा पी बाय पी टोटल इजकल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या था सर, एन बी बाय एन ए। ये आपने कहा पढ़ा था सर, तो आर एल बी पी में पढ़ा था आपने, पढ़ा था। चलिए सर, तो हम लोग यहां से चलते हैं, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाय एन ए। इसे मैंने क्या बोला, इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन वन में, तो मैं लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इन इक्वेशन फर्स्ट, उसमें मैं पुट करने जा रहा हूं, तो यहां से डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, एन बी बाय एन ए। चलिए, इसे मैंने बोला इक्वेशन थ्री। आप यहां से गौर से देख सकते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए सर, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाय एन ए मतलब क्या, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी एंड डेल्टा टी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, तो सर ये एन बी मेरा क्या है सर, बोलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किससे को तकलीफ, और डेल्टा टी बी मेरा क्या है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी मेरा क्या होगा सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे सर, ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। डेल्टा टी बी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर ही रहा है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सर डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी आ गया, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसलिए हम लोग यहां पे कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट डेल्टा टी बी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसा कि हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहा था कि डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, तो कैसे इसको प्रूफ कीजिए, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें डेरिवेशन करना है, रिलेशन निकालना है डेल्टा टी बी और मोलालिटी के बीच में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे फिलहाल नोट कर ले आप लोग, कर दूं मैं। तो बच्चा लोग आइए हम बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो बच्चा लोग आप डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाय एन ए के जगह पे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए बाय एम ए। चलेगा, यहां पर डब्ल्यू ए किसमें है सर, ग्राम में क्या, तो यहां पे हम कुछ कुछ बातें डिक्लेयर कर लें, हियर
डब्ल्यू ए आपका क्या है सर, बोलिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एम ए आपका क्या है सर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और एन बी मेरा क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डेल्टा टी भी तो हम लोग जानते हैं क्या है मेरा सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाय एन ए, मैं एम ए को ऊपर लेके चला जाऊं, चला गया, ये मेरा किसमें है सर, ग्राम में। हम चाहते क्या है, इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया सर, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। अब इधर एडिट करूं मैं, इस तरीके से बच्चा लोग हम लोग देख सकते हैं। अब मैं बातें क्या करने जा रहा हूं सर, यहां एन ए तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक यहां पे डब्ल्यू ए होना चाहिए, चलेगा सर, इसे अच्छे से लिख देता हूं मैं, डब्ल्यू ए आपका ये है। चलिए बच्चा लोग थोड़ा मैं देखता हूं यहां पे, अब तो इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बी। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए मैं एक कॉन्स्टेंट लो लू, यहां पे मैंने क्या लिया सर, इज इक्वल टू, मैंने कोई ले लिया कांस्टेंट इनटू। अब आपके पास है एन बी बाय, ये ग्राम बाय 1000 केजी में हो जाएगा सर, तो मैं यहां लिख सकता हूं डब्ल्यू ए इन केजी इनटू एम ए। एक बात याद रखिएगा सर, यहां मैं तो साइड में लिख दूं सर, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप सॉल्वेंट को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, जब आप सॉल्वेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपका पी नॉट ए एंड एम ए हमेशा क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट सर। तो जब आप इस इक्वल टू कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो आपका एम ए भी यहां पे क्या रहेगा सर, ऑफ कोर्स कांस्टेंट रहेगा। आपने डब्ल्यू ए बाय 1000 को केजी में लिख लिया, 1000 तो बचा हुआ है सर, तो यहां से क्या कीजिए सर, 1000 को रहने दीजिए आप। अब मैं एक काम करूं, इस कांस्टेंट को जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, एलिवेशन कांस्टेंट, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं सर, एंड डिनोटेड बाय के। तब हम लोग यहां से लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इनटू। अब देखिए एन बी बाय डब्ल्यू ए, एन बी बाय डब्ल्यू ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर के जी सॉल्वेंट, ये क्या कहलाएगा सर, ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो है, ये आपको क्या देगा सर, ये मुझे देगा मोलालिटी को, देगा ना सर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोलालिटी, चलेगा, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, 1000 मेरा नीचे रह गया है, तो इस 1000 को मैंने क्या किया, कांस्टेंट यहां पे रख दिया ना 1000 को, चलिए इसे को तकलीफ। अब नाउ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं के बाय 1000 इनटू, मोलालिटी के लिए मैंने लिखा सर स्मॉल एम, चले। अब ये के बाय 1000 खुद ही एक कांस्टेंट है, ये क्या है सर, कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड किया तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये खुद ब खुद कांस्टेंट है, और क्या कहलाता है सर, कॉल्ड, ये मेरा कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और किसे डिनोट होता है सर, एंड डिनोटेड बाय के बी।
एग्जीक्यूट करते हैं लोग सर हैं केपी से। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर, मैंने 3 इक्वेशन लिया था सर, इसे मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। तब मैं यहां पे चलूं, यहां पे भी स्पेस कम पड़ रहा है सर, इधर मैं थोड़ा इरेज करता हूं, यहां तक नोट कर ले आप लोग, छोड़ सकता हूं है। तो बच्चा लोग हम लोग कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बाय 1000 के लिए के बी इंटू मोलालिटी के लिए स्मॉल एम। ये आपका हो गया फाइनल रिलेशन। डेल्टा टी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ना, तो टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, चलेगा। ये मेरा हो गया फाइनल इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास दो रिलेशन मिल गया है सर। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर, इसे आप 5 बोल दीजिए, इसे 6 बोल दीजिए सर। ये क्या आपको दे रहा है सर, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी बी एंड मोलालिटी, डेल्टा टी बी और मोलालिटी के बीच में सर रिलेशन मुझे दे रहा है। अब सर मुझे एक बात जानना है, यूनिट डेल्टा टीवी की यूनिट क्या होगी सर? हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, यूनिट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी की यूनिट क्या होगी, आप समझाइएगा। तो बच्चा लोग एक बात मुझे बताइए, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, टीबी माइनस टी नॉट बी। यहां पे तो हम लोग क्लियर कट जानते हैं कि टीबी ग्रेटर देन क्या है सर, टी नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसी को डाउट? टेम्परेचर की ऐसा ही क्या होती है सर केल्विन? अगर आप मान लीजिए कि कोई लिक्विड हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट 500 केल्विन है, और जो प्योर सॉल्वेंट था उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, मान लीजिए हमने लेट माना टीबी इज इक्वल टू 500 केल्विन, टी नॉट बी इज इक्वल टू 400 केल्विन, इसलिए डेल्टा टीबी क्या आएगा सर, 500 केल्विन माइनस 400 केल्विन आएगा क्या सर, 100 केल्विन। तो डेल्टा टीबी की यूनिट क्या हो जाएगी सर, केल्विन। ऑफ कोर्स टेम्परेचर में डिफरेंस है तो यूनिट मेरा क्या आएगा सर, केल्विन। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा डेल्टा टीबी के लिए वो क्या होगा सर, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट के बराबर, ठीक है सर। चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग, तो बच्चा लोग आपने फाइनली क्या पाया सर, यहां पर आपके पास में कुछ याद करने के लिए चीजें रह जाएगी जो कि आपने डेरिवेशन किया सर। आपने देखा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो रहा था हमारे पास के बी इंटू मोलालिटी, चलेगा सर। अब KB into molality का formula क्या होता है सर, weight of solute by molecular weight of solute into weight of solvent, ये किसमें सर, ग्राम में, ये भी किसमें सर, ग्राम में, ऊपर क्या देंगे हम लोग सर, 1000। डेल्टा TB मेरा क्या हो जाएगा सर, TB माइनस T नॉट B, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। चले तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपके पास के बी है, ये के बी, ये क्या कहलाता है सर, कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और तो और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है सर। अभी हम लोग पढ़ने वाले अब हैं केबी के ही बारे में, तो अब हम लोग क्या आगे हेडिंग मारेंगे सर, अब आगे आप हेडिंग मार दीजिए केबी। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पास ये केबी क्या है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं,
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलेगा सर, इसका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चा लोग केबी को कैसे डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। हमने क्या किया सर, पुट कर दिया, पुट कर दीजिए मोलरिटी की वैल्यू वन। हमने क्या किया सर, पुट किया मोलरिटी वैल्यू मैंने वन पुट कर दिया। तब आपको क्या दिखने को मिल रहा है सर, के बी जो है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी बी के बराबर हो गया, क्या सर? तो यहां से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के बी मेरा क्या है, के बी मेरा कुछ नहीं है सर, वह मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, कब, जब मोलरिटी वैल्यू क्या हो जाए वन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब मोलरिटी की वैल्यू वन हो जाती है तब के बी डेल्टा टी बी के बराबर होता है, क्या? अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, अगर मैंने मोलरिटी वैल्यू क्या कर दिया सर, वन पुट कर दिया, तो के बी मेरा जो है वह डेल्टा टी बी के बराबर हो गया ना। चलिए यहां पे नोट कर लीजिए सर आप लोग। तो बच्चा लोग केबी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिख सकते हैं सर, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन मोलरिटी फिर कितनी हो जाए सर, वन। मोलरिटी मेरा वन है, इसका मतलब क्या है सर, इट मींस इसका मतलब क्या है सर, मोलरिटी की वैल्यू वन है, मतलब क्या, वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलरिटी की वैल्यू वन, इसका मतलब क्या होता है सर, कि एक मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है एक केजी ऑफ सॉल्वेंट में। तो मैं यही पे लिखने जा रहा हूं सर, प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। चलेगा? मैंने क्या लिखा सर, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब साफ सर, देखिए यहां पे के बी क्या है सर, के बी मेरा डेल्टा टीबी के बराबर हो जाता है, कब, जब मोलरिटी की वैल्यू 1 हो जाती है। मोलरिटी की वैल्यू 1 मतलब क्या, एक मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। और के बी क्या है सर, यह प्रोड्यूस कर रहा है किसको, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को, जब एक मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करवा रहे हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। चलेगा? चलिए बच्चों हम जानना चाहते हैं यूनिट के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट बातें हैं कि सर यूनिट ऑफ के बी, के बी की मुझे यूनिट बताइए, क्या सर, मैं जानना चाहता हूं यूनिट ऑफ के बी। तो आपके पास के बी, के बी मेरा कहां है सर, यहां पे है ना। तो आप तो इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, के बी इंटू मोलरिटी। आपको चाहिए के बी, तो के बी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, डेल्टा टी बी बाय मोलरिटी। तो डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होगी सर, केल्विन। चले, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी, तो इस अकॉर्डिंग अगर यूनिट हम लोग जानना चाहें, हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, केल्विन। अगर मैं यहां पर जानना चाहूं तो केल्विन, केजी इनवर्स ऊपर लेके जाए तो केल्विन केजी पर मोल। चलेगा सर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, केजी ऊपर जाएगा, इनवर्स में है तो केजी तो मेरा रह जाएगा केजी में। तो इस तरीके से आपका केबी का यूनिट हो गया, यहां पे क्या मेरा है सर, मोल इनवर्स। ठीक है सर, ये मेरा क्या है सर, एस आई यूनिट। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चे लोग देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है,
आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, पहला पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जहां पर ग्लूकोज क्या काम कर रहा है, सॉल्यूट का, और वाटर क्या काम कर रहा है सर, सॉल्वेंट का। वाटर भाई क्यों, क्योंकि यहां पे एक्वस दिया गया है। ये मेरा सॉल्यूट है तो हमने लिया बी, सॉल्वेंट तो हमने क्या लिया सर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंटेनिंग 12 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका वेट डब्ल्यू बी की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है सर 12 ग्राम, कितने में डिजॉल्व है सर डब्ल्यू ए की वैल्यू तो 100 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है, ग्लूकोज कितना होता है सर 180, जानते हैं। आगे देखिए, फाउंड टू बॉयल एट 100.34 डिग्री सेल्सियस, जो सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या टीवी की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है सर 100.34 डिग्री सेल्सियस। वैसे आप थोड़ा दिमाग लगाइए सर, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है सर 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर तो मेरा प्योर सॉल्वेंट है क्या, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट आएगी मतलब टी नॉट बी कितनी होती है सर 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसमें ग्लूकोज मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजमेंट होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहां पे हो गया। मुझे निकालना क्या है सर KB फॉर वाटर, इस वाटर के लिए मुझे KB की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है सर, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलालिटी, मोलालिटी के लिए सर WB इनटू 1000 बाय MB इनटू WA। चलिए फुटपाट कीजिए आप लोग यहां पे अच्छे ढंग से, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या आएगा सर टीबी माइनस टी नॉट बी इजकल टू केबी, मुझे निकालना ही है इनटू डब्ल्यू बी क्या आपके पास में सर 12 ग्राम इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे सर 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मेरे पास कितना है सर 180, वेट ऑफ वाटर कितना मुझे दिया गया है सर 100 ग्राम। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये और दो से तीन गया सर 6, 2 जा 6, 3 जा चलेगा सर। अब टीबी और टी नॉट बी का वैल्यू रखते हैं सर, टीबी मेरे पास कितना आ गया सर 100.34 माइनस 100, टी नॉट बी के लिए तो 100 रखेंगे ना हम लोग, इजक्वल टू के बी इंटू 2/3 आई थिंक 2/3, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास सर 0.34 इंटू 3/2 इजकल टू क्या हो जाएगा सर KB, यहां से इसको कटा लीजिए सर 0.17, यहां से हमारे पास KB क्या आ जाएगा सर बोलिए 0.51, और KB की यूनिट क्या होती है सर केल्विन केजी पर मोल, ये मेरा क्या आ गया सर आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए चलो मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा कुछ कुछ, हम लोग हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, कोशिश करते हैं जितने तरह के टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लें। चलिए चलो देखते हैं हम लोग हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन, निकालना मुझे क्या है सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन चाहिए मुझे व्हेन 174.5 मिलीग्राम ऑफ ऑक्टा एटॉमिक सल्फर इज एडेड, ऑक्टा एटॉमिक सल्फर का मतलब क्या होता है सर S8 इज एडेड टू 78 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, मतलब समझिएगा सर कोई सॉल्यूशन बनाया गया है, इतना कहने का मतलब क्या है सर कोई सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें कि S8 को ऐड कर रहे हैं Br2 में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन मुझे चाहिए व्हेन, अब देखिए बात को समझिएगा सर, मुझे इसकी बॉइलिंग पॉइंट बोला जा रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा सर प्योर सॉल्वेंट और ये मेरा क्या है सर सॉल्यूशन, समझते हैं। आगे क्या मुझे बोला जा रहा है सर 174.5 मिलीग्राम ऑफ ऑक्टा,
इसका जो वेट है ये तो मेरा क्या हो जाएगा, बी सॉल्यूट है, ये मेरा क्या हो जाएगा सर, सॉल्वेंट। अबे भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है वो तो लिक्विड का निकाला जाता है ना, वो तो लिक्विड का ही निकाला जाता है ना, ब्रोमीन लिक्विड। ब्रोमीन क्या है सर, नॉन मेटल होता है, इकलौता नॉन मेटल जो कि लिक्विड फेज में हमें मिलता है, समझ गए। अब सल्फर तो सॉलिड फेज में होता है, तो ये हो गया वोलेटाइल सॉल्यूट, ये मेरा क्या हो गया सर, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। तो टी नॉट बी मुझे चाहिए। आगे देखते हैं सर, मुझे और क्या बोला जा रहा है, पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। 174.5 मिलीग्राम ऑफ ऑक्टा एटॉमिक सल्फर, तो इसका जो वेट मुझे दिया गया है डब्ल्यू बी की वैल्यू वो कितना मुझे दिया गया है सर, 174.5 मिलीग्राम। मतलब क्या, 174.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 केजी, सॉरी ग्राम, मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसका मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर मास, कैसे मिलेगा सर, 8 इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट, तो कितना होता है सर मेरा 32, तो 8 इंटू मैंने 32 कर लिया। आगे बढ़िए सर, एडेड टू 78 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो वेट दिया गया है डब्ल्यू ए वो मुझे कितना दिया गया है सर, 78 ग्राम। के बी फोर बी आर टू इज, अब मुझे इसके लिए के बी दे दिया गया है सर, के बी किसके, एक बात याद रखिएगा सर, के बी जो है ओनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, के बी हमेशा सॉल्वेंट के लिए दी जाती है ना, तो यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं कि बी आर टू मेरा क्या है सर, सॉल्वेंट है। के बी की वैल्यू कितना मुझे दिया गया है सर, 5.2 केल्विन केजी पर मोल। आगे बढ़िए, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी आर टू इज, देखिए सर थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन व्हेन 174.5 मिलीग्राम ऑफ ऑक्टा एटॉमिक सल्फर इज एडेड। मतलब कि मुझे टी नॉट बी नहीं निकालना है सर, मुझे ब्रोमीन की बॉइलिंग पॉइंट तब निकालनी है जब हम लोग सल्फर को ऐड कर चुके हैं। मतलब क्या मुझे चाहिए सर, मुझे टी बी वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट मुझे चाहिए ना सर, और प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट मुझे कितना दिया गया सर, 332.15 केल्विन, तो मुझे दे रखा ही है, समझ गए। चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं हम लोग हैं सर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा सर, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, चलेगा। चलिए चलो पहले हम लोग यहां से डेल्टा टी बी वैल्यू निकाल लेते हैं, वहां से हम लोग टी बी निकाल लेंगे। के बी, के बी की मुझे वैल्यू कितनी दी गई है, 5.2 पुट करते चले इंटू डब्ल्यू बी की मुझे वैल्यू कितना दिया गया है सर, 174.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू वहां पे क्या है सर, 1000, तो आप यहां पे 1000 को भी ले लें, डिवाइडेड एम बी, मुझे एम बी कितना मिला हुआ है, 8 इंटू 32 इंटू डब्ल्यू ए मुझे कितना मिला हुआ है सर, 78। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका सॉल्व करने पर कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है चलिए सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.045, चलेगा। डेल्टा टी बी इक्वल टू इतना आया मुझे, तो डेल्टा टी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू क्या, 0.045। यहां से आपको चाहिए टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0.045 प्लस टी नॉट बी की वैल्यू कितनी मुझे मिला हुआ है सर, 332.15 केल्विन, तो 332.15 केल्विन को इसमें ऐड कर दीजिए, 332.15 को ऐड कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है वैल्यू सर, बोला जाए यहां से 5, यहां से 9, यहां से 1.32 195 इतना क्या आ जाएगा सर केल्विन, मेरा क्या हो गया सर आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए बच्चों इरेज करता हूं मैं, तो यहां से हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को समझे और कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सर नीट में, जे मेंस में, आईटी के लिए थोड़ा सा कुछ मुझे कुछ और पढ़ाना पड़ेगा, तो देखते हैं सर, छोटे से टॉपिक है, हम लोग जानना चाहते हैं
डिटरमिनेशन ऑफ के बी, जो हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है वगैरह वगैरह। हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सर। तो आपके पास टॉपिक क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ केवी। आप केवी की वैल्यू कैसे निकाले, हालांकि मैक्सिमम जगहों पे केवी की वैल्यू आपको दी रहती है, बट आपके पास में जो डेल्टा टीवी और केवी में जो रिलेशन था उससे आप निकाल सकते हैं। बट कभी कभी सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, चाहे इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन या फिर एंट्रोपी चेंज पर बेस्ड ऑन आपको क्वेश्चन देता है, इसे भी क्वेश्चन एडवांस पूछता है। चलिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो आप पॉइंट में एक बात को नोट कर लें कि केबी किस बात पे डिपेंड करता है। केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, सॉल्वेंट चेंज तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू क्या होती होगी सर, अलग अलग होती होगी, बिल्कुल होती होगी सर। चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एक फॉर्मूला है केबी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर बाय 1000, आपके पास होता है एल एफ। अब यहां पे देखते हैं, हियर आप तो जानते हैं कि आपके पास यहां पे के बी क्या है सर, के बी मेरा क्या यहां पे है, कांस्टेंट है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आगे आइए आर तो जानते हैं आपके पास में क्या है सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है सर। और टी नॉट बी यहां पे क्या मिला हुआ है सर, नॉट प्योर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे जो एल एफ है वो मुझे क्या दिया हुआ है सर, लेटेंट हीट ऑफ, एल एफ की जगह पे आप एल वी कीजिए, के बी है ना, एल वी करेंगे, एल एफ कहां डालेंगे जहां पे के एफ आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, चलेगा, चलिए यहां पे नोट कर लीजिए। और आपके पास इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला आपको मिलता है। दूसरा फॉर्मूला की मैं बात करूं सर, अब मैं इंथैल्पी की बात करना चाहता हूं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की। तो हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट आता है के बी इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास लग जाता है एम आर टी नॉट बी का स्क्वायर बाय 1000 डेल्टा एच बी। चलेगा, चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं सर क्या क्या हमारे पास रिजल्ट मिला हुआ है। हियर तो आप जानते हैं सर, के बी जानते हैं, आर जानते हैं, यहां पे मुझे क्या क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एम जानना है मुझे। एम यहां पे क्या है सर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे मैं एम ए कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एम ए तो जानते ही हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच बी मेरा क्या है सर, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एक तीसरा फॉर्मूला होता है। एक बात बच्चा लोग याद रखिएगा, डेल्टा एस भी इजकल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एच भी बाय टी नॉट बी। और ये डेल्टा एस भी मेरा क्या है सर, हियर डेल्टा एस भी इजकल टू हम लोग कहते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तो हमारे पास रिजल्ट निकल के क्या आता है, थोड़ा मैं इधर इरेज कर दूं, इधर मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। तो बच्चा लोग
यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं वहां पे जाइए ऊपर में सर, फ्रॉम इक्वेशन, इसे आप टू बोल लीजिए, इसे आप वन बोल लीजिए, और इसे आप क्या बोलिए सर, थर्ड बोल लीजिए क्वेश्चन सर, फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास क्या मिलेगा, के बी इज इक्वल टू एम ए तो है ही आर टी नॉट बी, एक टी नॉट बी को उठा के मैं यहां नीचे ला देना चाहता हूं, ठीक है सर, तो 1000 इंटू डेल्टा एच बी बाय टी नॉट बी, मैं कर सकता हूं ना, एक टी नॉट बी को मैंने यहां पे नीचे लाया, दो टी नॉट बी है ना, टी नॉट बी का स्क्वायर है, एक को मैंने यहां पे नीचे ला दिया, तो बच्चा लोग इसके जगह पे मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा एस भी, इसलिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, के बी इज इक्वल टू एम ए आर टी नॉट बी बाय 1000 इंटू डेल्टा एस भी, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, चलिए नोट कर लीजिए सर। चलिए बच्चा लोग इस पे बेस्ड ऑन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखा जाए क्वेश्चन, देखा जाए सर। चलिए बच्चा लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन, इसका मतलब साफ है मुझे डेल्टा एस भी निकालना है, मतलब ये लास्ट वाला फॉर्मूला चाहिए मुझे, यहां से तो समझ में आ रहा है सर ना, तो क्वेश्चन देखिए बिना आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, या पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अच्छा रहेगा सर, फॉर वाटर हमारे पास सॉल्वेंट क्या है सर, वाटर, तो एम ए मेरा कितना मिल गया सर, 18, इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना मुझे दिया हुआ है सर, 540 कैलोरी पर ग्राम, तो आपके पास आप कह सकते हैं कि एल भी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है सर, 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी में है तो आर मुझे कितना चाहिए सर, 2 कैलोरी में, तो आर की कितनी होती है सर, 2 होती है ना, यूनिट तो जानते हैं सर आप, लिख लीजिए, अब यूनिट मुझे निकल के बताना पड़ेगा ना, आगे देखा जाए, गिवन के बी फॉर वाटर, वाटर के लिए केबी की मुझे वैल्यू कितना दिया गया है सर, 0.51, यहां पर जो इसका यूनिट लिखा हुआ है केल्विन पर मोलालिटी, मोलिटी किसको शो कर रहा है सर, मोल पर केजी को, इस आपको घबराना नहीं है, डेल्टा एस भी निकालना है आपको, तो कैसे निकाला जाए, चलिए सर हम थोड़ा समझते हैं, तो सर आपके पास फॉर्मूला था केबी इज इक्वल टू एम आर टी नॉट बी बाय 1000 डेल्टा एस भी, क्या मुझे तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, हम लोग चाहे यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं सर, तो यहां से डेल्टा एस भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना मिला हुआ सर, 18, आर की वैल्यू 2 है सर, टी नॉट बी चाहिए मुझे, टी नॉट बी क्या सर, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो टी नॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी सर केल्विन में, 373 केल्विन, या पुट कर दीजिए सर, 373 केल्विन बाय 1000 इनटू केबी की वैल्यू कितने मुझे दिया हुआ है सर, 0.51, यहां पुट कर दीजिए 0.51, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.33 कैलोरी पर मोल आंसर, चलिए नोट कर लीजिए सर।